जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर जी, जिले के सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी जी और आपकी धौलपुर करौली से प्रत्याशी श्रीमती इंदु देवी जाटव जी, प्रदेश की महिला मोर्चा की महामंत्री राधा भारद्वाज जी, हमारे लोकसभा के समन्वयक मान सिंह गुर्जर जी, खिलाड़ी लालजी भैरव साहब पूर्व सांसद, जगमोहन जी बघेल पूर्व मंत्री, रविंद्र सिंह जी बोरा पूर्व विधायक, श्रीमती रानी कोहली पूर्व विधायक, नीरजा शर्मा जी विधानसभा प्रत्याशी राजा खेड़ा, श्रीमती राममती जी जाटव पूर्व जिला प्रमुख, भाई उपेंद्र जी कुशवा भाजपा नेता और मेरे सामने बैठे इस विधानसभा के धौलपुर जिले के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ है। पहले जिस तरह की स्थिति थी देश के अंदर, आतंकवादियों से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के तुष्टीकरण के आधार पर चलते थे, तुष्टीकरण के आधार पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है। सीएम भजनलाल शर्मा के ताबड़तोड़ देखिए दौरे हो रहे हैं, क्योंकि बस पहले चरण का मतदान नज़दीक है और उसी को लेकर ताबड़तोड़ दौरे यहां पर किए जा रहे हैं। बीजेपी का देखिए प्रण है कि मिशन 25 को किसी भी तरह कामयाब बनाना है। उम्मीदवारों के समर्थन में वो आए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धौलपुर से ये लाइव तस्वीरें जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के ये ताबड़तोड़ दौरे हैं, लगातार देखिए हर दौरे में या हर रैली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी की उपलब्धि गिनवा रही है, बीजेपी के वादे गिनवा रहे हैं, जो भी बीजेपी ने किया, जो वादे किए। और आज भी आपको बता दें कि आज संकल्प पत्र भी यहाँ पर रिलीज किया गया। ये नरेंद्र मोदी जी का युग है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा, भ्रष्टाचारी इस देश में नहीं चलेगा। अगर किसी ने, उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया तो वापस निकाल लूंगा। अब आप देख सकते हैं, ये कह रहे ईडी आ रही है। जब आपने गलत काम किया नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया, तो गलत आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर इसीलिए लग रहा है कि आपने जनता के पैसे पर डाका डालने का काम किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है। जिस गरीब के पास योजना पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, कि आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से बदलाव किया है। आने वाले समय में बहुत कुछ बाकी है। हमारे संकल्प पत्र में पहले से घोषणा पत्र में था, धारा 370 हटाने का काम करेंगे। हटाई के नहीं हटाई? अरे आप बताइए, हटाई के नहीं हटाई? हटाई के नहीं हटाई? ये कांग्रेस ही कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा। धारा 370 हटनी, अरे बना का नहीं बना? बना का नहीं बना? और इन्होंने तो राम जी को भी काल्पनिक बता दिया था और राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था। जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया
उनमें से राम ही निकल गए, राम ही निकल गए। अभी जमाड़ जी कह रहे थे कि वो तो टिकट कह रहे हमको तो जबरदस्ती दे दिया, कई लोग वापस दे रहे हैं, कई लोग अभी भी कह रहे हैं अरे साहब आप गए तो प्रचार नहीं, हम तो प्रचार भी नहीं करें। ये स्थिति कांग्रेस की हो रही है। अरे मैं कहता हूं कांग्रेस के लोगों, आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक राज करती थी, सभी प्रदेशों में उसका राज था, आज क्या हो गया? क्योंकि तुम्हारी नीति और नियत ठीक नहीं थी। तुम्हारी ये भ्रष्टाचार की कहानी और ये तुष्टिकरण की कहानी, देश को बर्बाद करने की कहानी जनता समझ चुकी है, इसलिए आपको पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया। यहां गहलोत साहब आए थे, वो कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब, आपकी सरकार चलाने की मजबूरी होगी, लेकिन इस जनता को भ्रष्टाचार में डुबोने की किसकी जिम्मेदारी थी? किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे थे? उन युवाओं के आंसू जिन्होंने पेपर दिए, उन किसान पुत्रों की हालत देखिए, ये एसओजी तो पहले भी थी, कहां तुम्हारी एसओजी गई थी? हमने जनता के बीच में वादा किया था, हमने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एसआईटी गठित करेंगे, और जिन्होंने पेपर नकल का काम किया है उनको अंदर डालने का काम करेंगे, अंदर डालने का। और आपने देखा होगा 85 लोग तो आ गए, संख्या और बढ़ रही है, 3-4 की आज कल और बढ़ गई है, 90 हो रहे हैं, धीरे धीरे 100 भी होंगे। लेकिन ये तो वो थे जिन्होंने नकल की थी, लेकिन अभी शोरूम वाले बाकी है ना, अभी शोरूम वाले बाकी है ना, उनको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है बताइए, उनको अंदर करना है कि नहीं करना है? अरे मैं कहता हूं आपसे, इन्होंने जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया। ए मेरे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आप इस मेरे मुल्क के मालिक हो, आप इस देश को चलाते हो, देश का काम आप करते हो, लेकिन जिस तरह के लोग आते हैं, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, जो है उनको सबको सलाखों के बीच में डालने का काम ये सरकार करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, किसान के दर्द को मैं जानता हूं। चौधरी पहुंचेगा उसको हमारी समस्याओं की होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी से निकले हैं, उन्होंने गरीबी को नजदीकी से देखा है, वो माता बहनों की समस्या जानते हैं, वो मेरे किसान की समस्या जानते हैं, वो मेरे मजदूर की समस्या जानते हैं। मैं इसलिए कहता हूं उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान की योजनाएं